बाप रे बहुत लग गई रे। अरे ओ रनिया सुनाई नहीं दे रहा का, हम यहाँ दर्द से करा रहे हैं, गर्म पानी लेकर आओ, पाँव में मोच आ गई है। अरे ले आए मम्मी जी, इसमें नमक भी डाल दिया, ठीक हो जाएगा, ये लीजिए। हाँ ला दे रख। ओहो अरे 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 कितना गर्म पानी लाई है, हमें जलाना चाहती है का? है कहाँ मम्मी जी, एकदम ठंडा तो है पानी, देखिए मम्मी जी मतलब गर्म नहीं है, ठीक ही है। अरे का ठीक ही है, ठीक ही है, तुम लक्कड़ पत्थर हजम हो, हम एकदम कोमल है, हमसे नहीं सकता है इतना गर्म खोलता हुआ पानी, भाई तुमको पगला गई हो का है? तो हम इतना परेशान हो रहे हैं, देखो गुरु महाराज आए नहीं है, ऊपर नीचे कवायद कर रहे हैं, इतनी धूप बत्ती दिखाई सब दिखाई फिर भी नहीं आए, तो हमारे घर नहीं आए तो कहाँ गए होंगे भाई, ये तो पता नहीं। पर ये बावली का है डमरू बजा रही है, इसके घर तो नहीं चले गए कहीं, पता नहीं। अरे देख जाके देख, बुला उनको, कहे यहाँ का पता है, यहाँ का देके आए थे, अब पहुंच गए। काहे डुडू की बजा रही हो? देखो चाची हमारा दिमाग बहुत खराब है, मम्मी जी तेरा मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा किया ना तो आज सुना देंगे हम तुमको। अरे तुम्हारा माथा तो हमेशा ही गर्म रहता है, इसमें कौन सी नई बात है, खबर अच्छी है या बुरी ये तू समझ लो, लेकिन जो खबर हम तुमको सुनाने वाले हैं ना, सुनकर हिल जाओगी तुम। अच्छा ऐसी का खबर लेके आई हो? पता है पूजनीय महाराज जी किसके घर में गए हैं? अरे तुम्हारी नानी सास के यहाँ पधारे हैं। अरे शांति सदन में, हेल्प करो। नहीं कहा ना, इतना सारा काम कैसे करोगी? हो गया ना, देखो हो गया, देखो। अच्छा सुनो, हाँ? घर की सफाई हो रही है, चलो मंत्र उच्चार करो, भजन गाना शुरू करो, चलो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये क्या कर रही है देवी आप? महाराज का क्रोध बढ़ रहा है। बस हो गया, थोड़ा समय और दे दीजिए, बस काम हो खत्म होने को ही। चलिए जल्दी जल्दी काम खत्म कीजिए, आप एक छोटा सा काम भी नहीं कर पा रही है? अरे नहीं नहीं कर रहे, कर रहे। बाबा जी देखिए ना, मम्मी कितना काम करी, ऊपर से आप लोगों ने भी शर्त रख दी कि मम्मी सिर्फ अकेले करेगी काम। बेटा तो गुरु को घर बुलाया है ना, तो ये सब काम करना ही पड़ेगा। अरे ये छोटी बच्ची है, इसको उसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, आप इसको क्षमा। ज्ञान नहीं तो इन्हें बता दीजिए कि संसार में कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होता है, तब करना ही पड़ता है, समझ गई? और अगर आप लोग सक्षम नहीं थे तो फिर गुरु को बुलाया क्यों? अरे सक्षम है, हम कर लेंगे, इसलिए कह रहे हैं ना कि गुरु जी आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ सीख भी लेगी। हाँ बस 2 मिनट और दे दीजिए, बस हो गया है, शीघ्र करिए जल्दी। जी 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 महाराज जी, शांति सदन में आपका स्वागत है, पधारिए। ओम भोले शंकर। अरे सत्यानाश हो इस गुरु घंटाल का, गया अभी तो शांति से ना। अरे सत्यानाश हो जाए, अब क्या हो गया? अरे उसी मोच पे दोबारा मोच आ गई भाई। अच्छा? परेशान हो गए हम तो, डबल मोच आ गई। कैसे कैसे है? कांस्टेबल नहीं हो है, पूछताछ क्या कर रही हो? सारा दांव में टांग टूटी हुई है भाई, इधर आओ। कितनी बार कहा था हमने इन लोगों से एक सरला सदन बनवा दो, नहीं कोई सुनता ही नहीं हमारी, बस पहुंच गए शांति सदन, बताओ कंफ्यूज आ गए होंगे ना,
काहे के रेलवे कॉलोनी के तो सारे मकान डब्बे के जैसे दिखते हैं, सब एक ही डब्बे के हैं, लेकिन वो तो शांति सदन तो अलग दिखता है ना, तो कन पूजा गए होंगे इसलिए चले गए। अच्छा, तो वरना आते तो यही, हम इतने पवित्र है ना एकदम। सरला बात ये है कि महाराज जी भी जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी पापी हो। अब शांति सदन में तो तुम आराम से घुस सकती हो, लेकिन अभी तो तुम अपने घर से बाहर निकलने के लायक भी नहीं हो। जय हो बाबा जी, तुम्हारी लीला अपरंपार है। जय हो। चुप रह तू, तू ज्यादा बोलेगी ना तो अभी तेरे घर आके तेरी रामलीला बना देंगे। बकवास मत कर, अभी आते तेरे घर नहीं तो। और तू सुन, अब हम क्या किया? तू अपने कान के कान खजूरे झाड़, दिमाग के दिमाग हटा, समझ गई ना? तू सुन ले साफ साफ कि हम जो है तीन दिन के लिए शांति सदन जाएंगे। हाँ, वहाँ पे वो आए हुए हैं ना गुरु महाराज, तो तीन दिन के लिए हम जाएंगे, तो तू पूरे घर का ख्याल रखना है, और खास तौर से इसका इसका तो जरूर ख्याल रखना, समझ गई ना? हाँ, सब समझ गई। हाँ, हम जा रहे हैं सामान बांधने। हाँ, तुझे जरा सोनल के यहाँ से जरा एक वो लेकर आ, छोड़ क्या कहते हैं, हाँ बैग। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? तो कैसे लेके चले? हाँ तो बस ऐसा, हाँ बस छोड़ दे छोड़ दे, हम चले जाएंगे। आज से पहले कभी महाराज की सेवा नहीं की, कभी ऐसा शुभ अवसर नहीं मिला, तो इनकी रहनी कहनी कैसी है, विधि अनुसार का का करते हैं, विधिया का है, सब समझा दीजिए विस्तार पूर्वक हमको। देवी जी, मैं आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक समझा दूंगा जी। पहले आप भक्तों से कहिए कि आके महाराज का दर्शन कर लें। छूना मना है, हाँ दूर से, ठीक ठीक। नमो शिवाय। देवी जी, महाराज एक घंटे तक ध्यान में मग्न हैं, तब तक मैं आपको सेवा की विधि विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन याद रखिए आपको विधियों का पालन सख्ती से करना होगा। जी। देवी, सबसे पहली विधि यह है कि महाराज सिर्फ कुएं के पानी से स्नान करते हैं। अच्छा। और कुएं का पानी आपको लाना होगा। सबसे पहले प्रातः काल जाना होगा, उसके बाद आपको महाराज के लिए पानी लाना होगा, कोई दूसरा पानी नहीं ला सकता। हम ले आएंगे। दूसरी बात यह है कि महाराज रोज 51 आटे के दिए से सुबह शाम आरती करते हैं, और आटा सिर्फ गेहूं का होना चाहिए, किसी और चीज का नहीं। और हाँ, एक बात याद रखिए, आप आटा बाजार से नहीं ला सकते, आपको स्वयं के हाथों से आटा पीसना होगा, आटा गुथना होगा, उसके बाद दीपक बनाना होगा। हम कर देंगे। और तीसरी बात यह है कि महाराज सिर्फ सूरन का सेवन करते हैं। अच्छा। और सब्जियों में सूरन ऐसे होने चाहिए जिससे ना गले में खराश हो ना खुजली हो। चिंता मत करिए, वो हम कर लेंगे। और चौथी बात, चाहे कोई घर का हो या बाहर का, महाराज का रास्ता नहीं काटना चाहिए। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमों का पालन विधि पूर्वक और सख्ती से होना चाहिए। जी। देवी, महाराज अगले 3 दिन यानी 72 घंटों तक आपके घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि करेंगे। इनकी पूजा समाप्त होते जजमान यानी शांति देवी महाराज के सामने होनी चाहिए, क्योंकि महाराज को निमंत्रण शांति देवी की ही तरफ से था। यदि वो नहीं हुई तो फिर महाराज की पूजा खंडित हो जाएगी, और यदि महाराज की पूजा खंडित हुई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे,
इसलिए कुछ भी करके कैसे भी करके शांति देवी को यहाँ पे अवश्य बुला लीजिए। और हाँ, महाराज रोज पत्तियों की माला पहनते हैं। पत्तियों की? जी, पत्तियां साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह के जीव जंतु नहीं होने चाहिए। जी ठीक है, हम इस सारी विधियों का, सारे नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। मैं पानी देके आती हूँ। थैंक यू बेटा, दवाई लेकर हम सो जाएंगे। हाँ, आप सो जाना, ध्यान रखिएगा। महाराज की जय हो, महाराज जिंदाबाद, गुरु महाराज। खुशी हुई कि आप हमारे घर पधारे, आप आए बाहर आई, मतलब आप आए, बहुत खुशी हुई। महाराज, हम सरला हैं, इस घर की बेटी, सरल दिल और सरल कर्म की सरला, भक्ति भाव से परिपूर्ण। महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद, महाराज की जय हो। दीदी, महाराज ध्यान मग्न है, इनके ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। चुप रहिए, शांत रहिए आप। महाराज की जय। इस बार बुआ बहुत लंबा प्रोग्राम बनाकर आई है, और मुझे ये लगता है जब तक महाराज है तब तक ये महारानी भी यही रहेगी। ऐसे नहीं बोलते निम्मी, भगवान बचाए मेरी मम्मी को। चुप। नमस्ते जी। नहीं नहीं, आप उठिए, उठे कहाँ हैं आप? आप लेटे रहिए, अम्मा के पलंग पे, अम्मा के कमरे में आप, हाँ लेटे रहिए, लेटे रहिए। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी साहब, बहुत तकलीफ हो रही है हमें देख के। तबीयत आपकी, आपकी तबीयत खराब हो गई ना, बहुत तकलीफ हो रही है देख के कि इतनी तबीयत खराब हो गई आपकी। भाई साहब हैं कि आप मतलब अपना घर छोड़ के और बिकिया के ससुराल में आके खटिया पकड़ ले, मतलब कि नहीं, मतलब लंबा कार्यक्रम होगा फिर तो आपका, है ना? इतनी तबीयत खराब है आपकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये कहा कि अम्मा तो है नहीं ना, दो तीन दिन के लिए घर में नहीं है तो, और फिर अब आपकी बिटिया का तो रात चल ही रहा है घर पे बाहर, तो आपका अम्मा के कमरे में रात चल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नहीं आपको पता तो है ना, आपको आपको पता है आपकी बिटिया का रात चल रहा है हमारे घर में। हाँ हाँ, चाय भी है अम्मा की, और क्या कहते हैं, झूला, और घर का पूरा हिसाब किताब, और पूरी सत्ता रिया के हाथ में ही है। बल्कि उसने तो खा गया, अम्मा का सारा सामान उठा के बाहर गली में फिकवा दिया। इतना दुख हुआ हमारी अम्मा को, बेचारी सदमे में आके उन्होंने अपनी चुटिया ही काट ली। उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले ली कि अब हम गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, अब तो अब हम सन्यासी ही बन के रहेंगे। क्या बात कर रही हैं बहन जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे ये तो वही रुद्राक्ष है, उसको घर में रखने से बहुत फायदा होता है, पैसे कभी कम होते ही नहीं है।
अरे देवी जी इन्हें शांत करवाइए, सभी को तो महाराज जी दर्शन दे चुके हैं, अभी इन्हें जाने के लिए कहिए। देवी जी एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी भक्त यहाँ से दुखी होकर ना जाने पाए, सबको दर्शन दे चुके हैं। क्या करोगी माँ? बहुत दूर से आए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत दूर से आए हैं, आपको कुछ नहीं पता? अरे लेकिन अब आपकी बिटिया का ही तो राज चल रहा है घर में। अरे रुकिए आप, हम अभी आपको दिखाते हैं, देखिए वो क्या करती है। ये जो ये जो डब्बा है ना, ये जादू का डब्बा है। ये मरिया सारे पैसे रखती है, देखिए। और ये मां ये कापी भी, ये पेन भी। तो घर में जिसको भी पैसे लेने होते हैं ना, वो कापी में दर्ज करता है भाई हमारा नाम ये है और हमारी उम्र ये है और हम पैसे निकाल रहे हैं इतने इस काम के लिए और हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं सब। एक एक कानी कौड़ी का हिसाब किताब रखती है आपकी बिटिया, सच्ची बता रहे हैं। नहीं हमें लगा कि उसका प्रमोशन हो गया है, घर की सत्ता उसके हाथ में आ गई है, तो आपको तो सबसे पहले बताया होगा उसने। नहीं हमें कुछ भी नहीं बताया उसने, हम अभी बात करते हैं उससे, अभी फोन लगा के बात करते हैं उससे। अरे नहीं नहीं भाई साहब छोड़िए, जाने दीजिए, मतलब जो आजकल की लड़कियां हैं कोनों की सुनती हैं क्या? अरे बुआ जी आप यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे आपकी जरूरत है, चलिए चलिए मेरे साथ। अरे नहीं चलिए। अरे लेकिन हमारी क्या जरूरत है तुम्हें? आपके फायदे की बात करनी है। फायदे की? हाँ जल्दी से चल के मम्मी की मदद कर दो, क्या पता महाराज जी भी प्रसन्न हो जाए आपसे और आप एक अंकल जी से बात करने में लगे हो। अरे नहीं इनसे कौन बात करता है, मतलब भाई साहब हमने तो देखा ना कि भाई साहब बेचारे अकेले पड़े हुए हैं और अपने दिन गिन रहे हैं, मतलब कि बहुत तबीयत खराब है ना इनकी, तो अम्मा के बिस्तर पे लेटे हैं, अम्मा के कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम तो रुक गए कि भाई गम बांट लें, हैं अपने रिश्तेदार हैं पूछ लेते हैं भाई का हाल चाल है, कुछ जरूरत है का। लेकिन अब आप जल्दी ठीक हो जाए, तीन तीन है ना लड़कियाँ, अब तो तीन हो गई हैं आपकी लड़कियाँ, एक तो ही है एक वो है और वो तो है ही है। हाँ तो चिंता ना करिए ठीक हो जाएंगे आप अम्मा के, हाँ बिस्तर आप आराम करिए, हाँ आराम करिए। महाराज का दर्शन हो जाए हम सब चले जाएंगे, एक बार हमें दर्शन मिल जाए महाराज का तो सब चले जाएंगे। कृपा करके शांत हो जाइए, हाथ जोड़ते हैं आपके, थोड़ी शांति बनाए रखिए, ध्यान में है महाराज, हाँ ऐसा कर रहे हैं ध्यान भग्न हो जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे, फिर काहे का आशीर्वाद देंगे। महाराज अपने भक्तों को मिलेंगे, हम ना उस सामने वो पान की दुकान है ना, वहाँ कौन से समय मिलने वाले हैं दर्शन देके अपने भक्तों को, वो संदेश आप लोगों के लाने छोड़ जाएंगे, ठीक है? ठीक है देवी, ठीक है देवी, हमें अभी हाँ हम संदेश छोड़ रहे हैं आपके लिए, किस समय पर दर्शन देंगे आप लोग, किसी को पानी वानी चाहिए? वो जिम्मेदारी हमारी, आपको दर्शन मिले कर रहे हैं। तो क्या कह रही थी आप बुआ जी? महाराज की जय हो, महाराज आपकी जय हो। क्या बात है मम्मी, अच्छा सुनो भजन मंडली वालों को फोन करें, बुला लो बुला लो बुला लेते हैं। हेलो जहाँ सुन, हमारे यहाँ वो सत वाले महाराज जी है ना, हाँ उन्होंने प्रवेश, हाँ वो आए, तीन दिन तक यहीं रुकने वाले हैं, तुम लोग आ जाओ ना मंडली के साथ। आ रही हो ना, चल दिया। नमस्ते कर रहे हो का, पाँव नहीं छू सकते है? पाँव छू रहे हो का? रुद्राक्ष मत छूइए कृपया करके। अरे पैर छू रही है, आप रुद्राक्ष छू रहे हैं, अरे कमाल है आके चार कर रहे हो, पैर छू रहे हैं। कुछ भी करके हमें ये चमत्कारी रुद्राक्ष तो सरकाना ही होगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।